थाने से कुछ ही दूरी पर हथियारों से लैस बदमाश एक परिवार को बंधक बनाकर जेवर और नकदी लेकर हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, यूपी के बरेली थाना कोतवाली हाफिजगंज से कुछ ही दूरी पर बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाकर घर में जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। इस बड़ी घटना से पीड़ित परिवार सदमे में है, तो वहीं क्षेत्र में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल हाफिजगंज में थाना कोतवाली से चंद दूरी पर बिजली घर के पास रहने वाले मोहम्मद ताहिर उर्फ गुड्डू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उसके घर में 8 नकाबपोश बदमाश घुस आए। उनका कहना था, हमारे साथ सारे 35 लोग हैं, अगर होशियारी करने की कोशिश की तो सभी को जान से मार देंगे। उसके बाद गुड्डू से अलमारी की चाबी बदमाशों ने मांगी, तब गुड्डू ने बोल दिया कि मैं अभी अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराकर लाया हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। उसके बाद बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए अलमारी की चाबी गुड्डू से ले ली और अलमारी में रखे लाखों रुपए के आभूषण और 3 लाख नकदी निकाल ली। उसके बाद बदमाशों ने पहले तो सभी से उनके मोबाइल छीने और बाद में उसके घर के 4 लोगों को तमंचे और धारदार हथियार से बंधक बना लिया और सभी को डरा धमका कर फरार हो गए। इस दौरान डरे सहमे परिवार ने कोई शोर शराबा नहीं किया, लेकिन जब सुबह हुई तो मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और मामले की जांच में जुट गई। मेरा मोहम्मद ताहिर नाम है। कौन सा गांव है ये? कोतवाली थाना हाफिजगंज। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ, पूरी बात बताओ। मैं रात 2 बजे लेटा हुआ था बीबी के साथ में, उनका ऑपरेशन ही के आया था तो लेटा हुआ था, तो जो आए थे 8 लोग थे अंदर आए बरामदे में घूमने के लिए। फिर इन लोगों ने टार्च मारी, फिर बोले उठो, तो फिर मुझे उठाया, बोले फिर इधर कौन लेटा है, तो मेरे पापा बोले यहाँ उठा। फिर हम लोगों को दोनों को उठा के बोले चाबी दो, तो मैंने कि मैं अस्पताल से आया हूँ और मेरे पास चाबी नहीं है, तो बोले इन्हें जान से मार दो दोनों लोगों को। तो मैंने कि तुम मुझे जान से मार दो लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है। तभी उनमें से एक बोला अभी जान से मत मारो, ऐसा करो सब्बल से तारे तोड़ो और इन लोगों को बांधो। फिर हम लोगों को बांधो, ताला तोड़ के अंदर ले गए डबल बेड पे। तभी फिर बोले माल नहीं मिल गया, इन लोगों को मार दो, तो बोला अभी रुको मारो मत, फिर इन्हें माल देख ले रहे, माल मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो छुरी से पेट फाड़ो इनका और हिनी डाल चलो मार के। गुड्डू, एक बात और जानना चाहूँगा, जो लोग आए हुए थे वो नकाबपोश थे, क्या थे? नकाबपोश में थे वो। किस तरीके की भाषा बोल रहे थे, अपनी भाषा बोल रहे थे? अपने इधर की भाषा थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर हम लोगों को पापा ने फिर बोला था, तो फिर उनके सब्बल मारा था हाथ में, फिर हमने फिर उनसे कुछ कही नहीं थी, तो बोले मार दो इन्हें जान से, तो मैं पापा बोले जब सब कुछ ले जा रहे हैं तो अब हमें क्यों जान से मार रहे हैं। तब उनने दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर उन मोबाइल वोबाइल छीन लिए उनने सारे। हाँ, टेढ़े हाथ करके बांध दिए पीछे को। अच्छा, कितने लोग थे आप घर में सब? ये 8 लोग हमारे साथ में थे। 8 लोगों को बंधक बनाया? नहीं, 4 लोगों को बनाया था। 4 लोगों को बंधक बनाया था। क्या गन पॉइंट पे लिया था आपको, किस तरीके से? छुरी पे और 315 के रिवॉल्वर थे। अच्छा, उसके बाद फिर आपके साथ घर में जो लूट फूट हुई है उसके बाद चले गए? हाँ, फिर उसके बाद में माल जेवर जो भी पैसा था आराम से हम लोगों के सामने पटरिया बांधी, पैसे गिने सारा करके, फिर बोले हम फिर से आएंगे दोबारा। जेवर कितने का था? जेवर काफ़ी था। फिर भी अंदाज़ा कोई? अंदाजा 20 तोला से ऊपर था। 20 तोला से ऊपर। कैश कितना था? कैश था एक था 3 लाख, उसमें 1.5 लाख डॉक्टर साहब का था, बहनोई का हमारी, और 1.5 लाख मियाँ का था, सूफी असलम मियाँ का, प्लाट के लिए पैसे रखा था। अच्छा, और 75,000 हमारा था। इस बड़ी घटना से पूरे परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो वहीं क्षेत्र में भी हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल भी मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। इस दौरान फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंच गई। जांच में जुटी हुई पुलिस, फिलहाल पुलिस अभी भी मामले की जांच में जुटी हुई है। यह बड़ा सवाल है कि थाने से कुछ दूरी पर इतनी बड़ी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दे दिया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जब थाने के पास के लोग सुरक्षित नहीं है तो क्षेत्र की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए परवेज अंसारी की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र हाफिजगंज में मोहम्मद ताहिर का घर है। इनका कहना है कि देर रात्रि लगभग 2 बजे करीब इनके घर में 8 लोग घुसे थे और इनके घर का सामान लेके चले गए हैं।
इस संदर्भ में मौके पर आकर फील्ड यूनिट के माध्यम से सर्विलांस सेल को रेसोजी के साथ साथ थाना की पुलिस लगाई गई है। इसमें दो तीन चीज़ें प्रमुख तौर पर आ रही हैं। एक तो परिवार वालों के जो बयान हैं वो अभी कंट्राडिक्टरी प्रतीत हो रहे हैं। दूसरा, घर के अंदर जिस अलमारी से सामान जाना बताया गया है उस अलमारी में अभी कोई मार्क नहीं आया है, लेकिन इन लोगों ने जो घटना बताई है उस घटना पर हम लोग मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और सभी तथ्यों को संकलित कर रहे हैं ताकि घटना का हम शीघ्रता से अनावरण कर सकें।